धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटकीय दृष्टिले प्रशस्तै सम्भावना बोकेको छ केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेवको मन्दिरले। यो धार्मिक स्थल विश्वभरका हिन्दूहरूको पवित्र तीर्थस्थल पनि हो। भक्तपुर जिल्लाको सूर्यविनायक नगरपालिका स्थित केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेवलाई भारत उत्तराञ्चलका गुरु भीमाशङ्कर लिङ्ग शिवाचार्य महास्वामीले विभिन्न पौराणिक तथ्य र मान्यताका आधारमा विक्रम सम्वत 2066 साल भाद्र 6 गते भारतमा भएको केदारनाथ मन्दिरको शिर भएको पुष्टि गरेपछि यसको महिमा नेपाल र भारतमा झनै बढेको हो। लिच्छवी कालमा प्यागोडा शैलीमा निर्माण भएको यो मन्दिर 1890 सालको भूकम्पले चर्किएको र 1990 सालको महाभूकम्पले फत्काएपछि विक्रम सम्वत 2006 सालमा गुम्बद शैलीमा पुननिर्माण भएको थियो। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनको असर यस केदारनाथ धामको मूल मन्दिरलाई पनि परेको थियो। विक्रम सम्वत 2072 साल जेठ 18 गते भारत उत्तराञ्चल स्थित केदारपीठका पीठाधीश अनन्त श्री विभूषित जगद्गुरु महास्वामी भीमाशङ्कर लिङ्ग शिवाचार्य महाराज श्रीबाट वैदिक विधिपूर्वक शिलान्यास गरिएको मूल मन्दिरको पुननिर्माण कार्य जारी रहेको छ। यस केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव मन्दिरको ऐतिहासिक महत्त्वलाई उजागर गर्न र यसलाई प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव संरक्षण तथा विकास समिति सक्रिय छ। बहुत अच्छी राम्रो भइरहेको छ, अच्छी भइ रही है, मतलब कि अच्छी हो रही है, चारों तरफ से विकास ही विकास हो रहा है। इधर मंदिर के लिए, इधर हमारी धर्मशाला का विकास हो रहा है, अच्छा हो रहा है। अब वो कहते हैं ना इनका पहले सानू था, अब ठुल्लो हो रहा है। अब भाई जब सानू था तो सानू में भी अच्छा लग रहा था, बड़ा हो रहा है तो और अच्छा लग रहा है। और जब ये केदारनाथ जी का स्वर्ग घोषणा है तो इसको मतलब कि उन्नति पे तो आएगा ही। समस्त हिन्दूहरूका आराध्य देव भगवान केदारनाथ महादेवको शिरोभागको रूपमा पूजित हुँदै आएको यस डोलेश्वर धाममा पछिल्लो समय दर्शनार्थीहरूको घुइँचो बढी लाग्न थालेको छ। यस पवित्र तीर्थस्थलको महिमा बोध भइसकेपछि उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्ने दर्शनार्थीको चाप अनुमान गरेर केही वर्ष अगाडि नै मन्दिर संरक्षण समितिले दीर्घकालीन गुरु योजना तयार गरी कार्यान्वयन समेत गर्न तत्कालको आधा रोपनी जग्गाबाट हाल झन्डै 24 रोपनी जमिनमा मन्दिर परिसर विस्तार गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाएको छ। कि 4 महीने बाकी हैं शिवरात्रि के, और दूसरी बात, अब जैसे आज से श्राद्ध चालू होंगे, 16 श्राद्ध हो गए, 16 श्राद्ध के बाद नवरात्रे लग जाते हैं। नवरात्रे माता का जागरण वगैरह कुछ भी अपने यहाँ दशहरा मनाते हैं तो दशहरा आता है। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ी सुविधा के अनुसार जैसे हमारे भक्त जगत भगत आते हैं तो उनके हिसाब से थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, चहल पहल हो जाती है, क्योंकि त्यौहार चालू हो जाते हैं ना, चहल पहल हो जाती है।
तो उसके हिसाब से फिर थोड़ा सा व्यवस्था उसके बाद करी जाएगी, अभी के टाइम हो जाता है शिवरात्रि का। स्थानीय समुदाय को पहल मा शुरू भएको मंदिर संरक्षण र विकास को यो महाअभियान मा अहिले सबैतिर का भक्तजनहरू का साथै सरकारी एवं गैर सरकारी निकायहरूबाट समेत सहयोगको अपेक्षा सहित केदारनाथ धाम विकासको महत्वाकांक्षी गुरु योजना 10 वर्षभित्रमा सक्ने गरी तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ। लिच्छवी कालमा प्यागोडा शैलीमा निर्माण भएको सो मन्दिर 1990 सालको महाभूकम्पले भत्काएपछि 2006 सालमा गुम्बज शैलीमा पुननिर्माण भएको थियो। लिच्छवी कालमा बनेको जस्तै प्यागोडा शैलीमा दुई तले मन्दिर निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ पुननिर्माण भइरहेको छ। मन्दिरको मूल भाग र 24 रोपनी क्षेत्रफलमा विभिन्न संरचना सहितको गुरु योजना अनुसार निर्माण सम्पन्न गर्न 50 करोड भन्दा बढी रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ। डोलेश्वरको गुरु योजना अनुसार मन्दिर सँगै ढुङ्गेधारा, सतल, धर्मशाला, अतिथि सदन गृह, घाट, पञ्चायन मन्दिर, देवी, गणेश, सूर्यनारायण, वृन्दावन लगायत विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण गरिने भएको छ। वो अभी को है ना, जैसे कि हमारी यहाँ संस्था बनाई है, उनके मतलब कि अपने विचार होते हैं कि भाई हमें क्या करना है, तो उनसे अलावा तो मैं कुछ कह नहीं सकता ना, तो इसी करके हमारे लिए सभी चीज़ें अच्छी है। जब आएगा समय तो उस टाइम में आपको मतलब कि अच्छी घोषणा मतलब कि वो करेंगे, साधु संतों का आगमन करेंगे, उनके लिए सुविधा करेंगे, जो होती है वही करेंगे ना भाई। पिछले विकास मतलब कि पिछला विकास भी हमारी संस्था से ही चला हुआ था, और ये नया मतलब ये विकास हो रहा है वो भी हमारी संस्था से ही चल रहा है, तो अच्छा ही हो रहा। डोलेश्वर महादेव मन्दिरको गुरु योजना कार्यान्वयनमा सघाउन र धार्मिक परम्परालाई निरन्तरता दिन प्रत्येक वर्ष साउन महिनामा 38 दिने श्रावणी मेला लाग्ने गरेको छ। प्रत्येक वर्ष भदौ 6 गते केदारनाथको शिर घोषणा भएको दिनलाई वार्षिक उत्सवको रूपमा मनाउने र सो दिनमा मूल मन्दिरको 4 वटै ढोका खुला गरी सर्वसाधारणले समेत दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरिन्छ। डोलेश्वर महादेव मन्दिरमा देशका विभिन्न ठाउँबाट भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। भारत लगायतका ठाउँबाट पनि हिन्दू धर्मावलम्बीहरू केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेवमा आई दर्शन गर्ने गर्दछन्। डोलेश्वर महादेव मन्दिरमा दर्शन गर्न आएका भारतीय दर्शनार्थीहरू डोलेश्वर महादेवको महिमाको प्रशंसा गरेर थाक्दैनन्। एक्चुअली हम लोग के वहाँ बताया जाता है कि कैलाशनाथ जी के दर्शन के बाद डोलेश्वर जी के दर्शन अनिवार्य हैं, तब जाके वो दर्शन को कंप्लीट माना जाता है। तो हम लोग जब नेपाल आए तो हमने सोचा कि हम भगवान जी के एक बार दर्शन कर लें। यहाँ तो बहुत अच्छा लगा पूजा दे करके, और अभी हम लोग कुछ दिन और है यहाँ, तो पोखरा, नागरकोट ये सब जाने का भी प्लान है। डोलेश्वर एक्चुअली हमारी विजिट ट्रिप का एक पार्ट था कि हम लोग बहुत सारे मंदिर विजिट कर रहे, तो उसमें एक ये भी है, हम लोग प्लान किए थे आने का। उनको हम लोग ज़रूर बोलेंगे आने के लिए, बिकॉज ये बहुत ही एक अच्छा माहौल है जहाँ पे मंदिर किया गया है, प्लस इनकी एक तो नेपाल की ब्यूटी बहुत अच्छी है, तो ऊपर से बोला जाता है कि डोलेश्वर मतलब जो टेंपल है वो विज़िट अनिवार्य होता है जब आपका पूरा कैलाशनाथ वो टेंपल मतलब वो साइकिल कंप्लीट करने के लिए, तो हम लोग सबको रिकमेंड करेंगे आने के लिए। थोड़ा सा मुझे लगता है कि मंदिर की पब्लिसिटी तो चाहिए, बिकॉज़ कुछ सालों पहले जब आर्थक हुआ था तो बहुत बड़ा डैमेज हुआ था, स्पेशली चुराव में, तो वो जो रिपेयरिंग चल रहा है, और एक जो मुझे लगता है कि रोड्स पे काम थोड़ा करना चाहिए, बिकॉज हमारे जैसे बाकी फॉरेन टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनको भी अच्छी सुविधा लगे आने के लिए, क्योंकि एक तो है कि बहुत दूर से आ रहे हैं और रास्ता सही होगा तो आने में भी उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट या लोकल जो अथॉरिटी है उनको थोड़ा देखना चाहिए। हाँ, डोलेश्वर मंदिर ऐसे बाहर से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जागरूक है, जहाँ पे आप आते हो तो आपकी जो मतलब स्थिति है वो बहुत सही हो जाती है। आप मतलब आपके फैमिली के साथ आओ, थोड़ा टाइम बिताओ, बाबा के दर्शन करो और अच्छे मन से जाओ।